दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने पूछा आखिर वह एजेंसी के सामने पेश क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कोर्ट से गिरफ्तारी के प्रोटेक्शन की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दी। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने स्पष्ट किया कि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे थे और पेश होने में कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। सिंघवी ने सीएम केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि उन्हें केजरीवाल को 10 समन जारी किए गए। बकौल सिंघवी, केजरीवाल के समन पर अपना बयान और जवाब भी दिया और पूछताछ के लिए वर्चुअली पेश होने को तैयार हैं। सिंधी ने कोर्ट को यह भी बताया कि ईडी के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस गिरफ्तारी के प्रोटेक्शन से चाहिए। अभिषेक मनु सिंधी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने सभी समन कानूनी प्रक्रियाओं और प्रावधानों के अनुसार नहीं है। आपको बता दें, वकील सिंधी ने सबसे पहले केजरीवाल को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने की गुहार लगाई। सिंधी ने कहा कि राजनीतिक दल को पीएमएलए एक्ट से परिभाषित ही नहीं किया गया और ऐसे में समन किस आधार पर भेजा गया है। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी द्वारा अब तक भेजे गए तमाम समन के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब घोटाले नीति केस में उन्हें एजेंसी ने पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजा है, लेकिन वह पेश नहीं हुए। एजेंसी के एक्शन को उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत, जस्टिस मनोज जैन की बेंच में सुनवाई की। हाल ही में राउज रेवेन्यू कोर्ट से पूछताछ के लिए पेशी मामले में उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने शराब नीति केस में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 9वां समन जारी किया था। उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया गया था। वहीं राउज रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम को इन पर्सन पेश होने के लिए कहा था। इसके लिए वह शनिवार को कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी। जांच एजेंसी ने कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अपील की गई थी। इस केस में जमानत मिलने के अगले दिन ही एजेंसी ने उन्हें 9वां समन जारी कर दिया था। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।